बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। शमदीप कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन है ये धान की फसल की, और धान की फसल को जो है वो रेगुलरली रोज़ाना डेली बेसिस पे पानी लगाना पड़ता है। और हमारे पास जो 6 एकड़ थोड़ी सी जगह है उसमें हमने जो धान लगाई हुई है उसको आज पानी लगाना है हमने। और पानी लगाने के लिए हमें चलाना पड़ेगा फीटर, उसका सामान हमने ले लिया। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुबह सुबह फीटर, ताकि पानी जो है वो टाइम नहीं लगे। ऑलरेडी वक्त जो है वो 9 का हो चुका है। आते फार्म हाउस में सबसे पहले पेट्स जो है वो हमने खोल दिए। ये ज़रा दाना दुनका कर लें अपना और खुद घूम फिर लें। हम चलते हैं अपने औजार लेके फीटर चलाने के लिए। फीटर चलाना और यहाँ पे काम शाम करना इतना सख्त है, इस मौसम में इतना ज़्यादा सख्त है। कल भाई मुबारक आए थे यहाँ पे इस काम के लिए। सारी क्लोजिंग व्लोजिंग जो है वो बेहतरीन करने के बाद चाबी ये छोड़ दी गई। हम उस वक्त से ढूंढ रहे थे फार्म हाउस के रूम्स में, कपड़ों में, इधर उधर कोई जगह नहीं छोड़ी हमने रूम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटर इंजन के कपड़े छपड़े उतार लिए हमने, अब बेल्ट शर्ट बांधते हैं वो चढ़ा के, फिर इंशाल्लाह लगाते हैं गेड़ा, जो कि सबसे टफ जॉब है मेरे लिए। रेस एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फीटर हमारा जो है वो बिल्कुल सही स्टार्ट हो गया। अब हमारे खेत का ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल खाली है पानी से, इसको पानी से भरना है और इसको भी पानी से भरना है। ये दोनों पोर्शन जो है वो पानी से भरे जाएंगे। फीटर इंजन स्टार्ट करके आ गए हैं। फीटर इंजन की जो ड्यूटी है वो अलग है और हमारी सोलर मोटर की जो ड्यूटी है वो अलग है, लेकिन मेरी ड्यूटी दोनों ही जगहों पर है, फीटर के साथ भी और सोलर मोटर के साथ भी। फीटर इंजन का काम है ये वाला जो खेत है हमारा, इसमें पानी फिल करना, और सोलर मोटर का पानी जो है वो इस पोर्शन में आ रहा है और इसके बाद साथ वाले पोर्शन में जाएगा करीब करीब वाले, क्योंकि सोलर मोटर का जो पानी है वो उतने प्रेशर से नहीं आता जितने प्रेशर से पानी फीटर का आता है। छोटा बोर है ये वाला, और मेरी ड्यूटी दोनों ही जगहों पे नज़र रखना है कि कहीं से कोई लीकेज वीकेज पानी की या कोई बांध बांध खराब ना हो। टाइम हो गया तकरीबन 20 मिनट 10 बज के, जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी एग्जैक्ट इसी टाइम पे मैंने पकड़ी थी। अब अब्बू जान कह रहे हैं खेत में खाद बिखेरनी है, तो उसके लिए तोड़ा मैं वहीं पे छोड़ा आया था खाद वाला, यहाँ से पर्स पकड़ते हैं और कल के खाद बिखेरते हैं। ये टूट जाएगा मेरे हाथों। मोबाइल रखते हैं कमरे में, बोले ये बिल्कुल अभी लगा। नुस्कान पे नुस्कान, ये हमने ले लिया पर्स खाद बिखेरने के लिए। अब जब आप देखें इसको मोटरों को, मैं चलता हूँ उधर, थोड़ा जो वहाँ पे रखा है थे उसका ये एडवांटेज हो जाएगा, अब मुझे वजन उठा के वो उस वाले खेत तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। काफ़ी दिन गुजरा वाला में इंडोर रह के आए हैं और अब इतनी गर्मी में काम करना पड़ रहा है, यकीन माने गर्मी है भी काफ़ी ज़्यादा और अब तो फील भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन जो है वो गुजरा वाला में इनडोर रह के आए हैं। अब देखते हैं चल के क्या बनती है। हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ बिछा लेते हैं कपड़ा, इसके ऊपर रख लेंगे थोड़ा, ताकि खाद जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो गिर के इधर उधर थोड़े में से निकालते हुए। ये है जी खाद,
और इसका तोड़ा हमें इस दफ़ा नहीं मिला है तकरीबन 5000 का, एग्जैक्टली बात करें तो 4800 का, 4800 रुपये, यानी 2 मन गंदम तकरीबन। जूता हमने उतार लिया, पर्स भर लिया, चलते हैं अब खेत में और बिखेर के आते हैं ये खाद, इंजॉय करते हैं धूप। आप ज़रा इंतज़ार कीजिए। खाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे खेत में बिखर गई है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से केमिकल होते हैं। देखें यार, हाथ पे लगी और हाथ का क्या हाल हो गया, ये देखें। खाद वगैरह बिखेरने के बाद एक दो दफ़ा मैंने नहा भी लिया है, काफ़ी सारी रेस्ट की है, और पानी की जो सूरत हाल है तीसरे खेत में लगा हुआ इस टाइम, यानी कि ये वाला भी हो गया सोलर मोटर से, ये वाला भी हो गया, और इससे नेक्स्ट जो है उसको देखने जा रहे हैं, अल्लाह करे वो भी होता है तो इसकी डाइवर्जन करते हैं। तो पानी को जो है वो शिफ्ट करते हैं इस वाले खेत में, क्योंकि अब जो पानी आ रहा है यहाँ पे वो पीटर और मोटर दोनों का आ रहा है, तो काफ़ी स्पीड है पानी की, तो जल्दी पूरा हो गया होगा, मेरा ख्याल है कि वो पूरा हो गया होगा। तो यहाँ से जाके देखते हैं अब क्या सूरत हाल है। वही, ये तो बड़ी नरम है यार और गर्म भी है। फिर एक दफ़ा नहाना पड़ेगा अब यहाँ से वापस जाके। खैर, हमने बचाया अपना थोड़ा सा सफ़र, वरना हमें वो ऊपर से घूम के इस रास्ते से आना पड़ना था इस बांध से। अब यहीं से जा रहे हैं, चलो दोबारा नहा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी सेंटर में थोड़ा सा कम है, तकरीबन हो ही गया। आसमान पे बादल भी छा रहे हैं, तो उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी, इसलिए पानी ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना पानी लगाएंगे ताकि खुश्क ना हो पौधे, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए होता है, नमी ज़्यादा चाहिए होती है धान की फसल को स्टार्टिंग में, तो यही सिस्टम किया जा सकता है। यहाँ पे यहाँ से पानी बंद करते हैं और वहाँ से जाके फिर इस खेत में खोलेंगे। यहाँ तो पाँव घुटने घुटने तक नीचे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हिस्से में पानी लगने लगे, और इस हिस्से में बांधते बांधते पानी देखें तकरीबन आधा हिस्सा हो गया खेत का, सिर्फ हब्स है यहाँ पे, अदरवाइज बहुत ही मज़ेदार सराउंडिंग है। और यहाँ पे घूमते फिरते ये है हमारे पास मिंट, तो मैं तो इसे अक्सर खाता रहता हूँ जब भी यहाँ से गुजरना है, एक आध पत्ता तोड़ के दो के तो फिर खाते हैं। पहले तो खुशबू और फिर जायका, बहुत ही लाजवाब। अबू जी ने वहाँ पे सारे पैट्स इकट्ठे कर लिए दाना वाना डालने के लिए। ये चाइना मुर्गी जो है वो बिल्कुल भी सुकून से खाने नहीं देती किसी भी परिंदे को खाना वाना, इसीलिए भगा दिया अबू जाने से, इसको अलहदा से ही खाना डाला जाएगा। बाकी सारे शरीफ पेट्स हमारे ये। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ वाले भी दोनों पार्टीशंस में जो पानी वो काफ़ी हो गया, अब इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट वाले में थोड़ी नज़र मारनी है, उसमें भी तकरीबन पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसको बंद ही करते हैं हम। और अभी छुट्टी में मज़ीद टाइम है, सिर्फ 3 का वक्त हुआ है और 5 बजे तकरीबन हमें यहाँ से छुट्टी होनी है। इस वाले खेत को पानी लगाते हैं, ये भी तकरीबन खुश्क हुए पड़े हैं। पीटर का पानी पहले जो इन खेतों में जा रहा था, अब क्योंकि आगे जाना है तो हमें ये वाला जो है यहाँ से बंद खोलना पड़ेगा। माशाल्लाह खेत के तकरीबन सभी हिस्सों में इस तरफ वाले पानी पूरा हो गया, और फार्म हाउस की जो दूसरी साइड पर खेत है उनमें पानी लगा दिया है। अब देखते हैं चल के पीटर की कंडीशन, उसमें ऑयल वॉयल कितना है। खेत की ये वाली पार्टीशन छोटी सी है, इस वजह से हम यहाँ खड़े होके इंतज़ार कर रहे हैं ये मुकम्मल होती है, फिर जाके बैठेंगे अबू जी के पास चार पाई पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का काम यहाँ पे निबट गया, हमें अब होगी ये छुट्टी, हम जा रहे हैं घर को। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान जो अभी भी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इन दिनों काम का जोर शोर काफ़ी ज़्यादा होता है और सभी की दौड़ लगी होती है जितना जल्दी हो सके काम ख़त्म कर लिया जाए। हमने सोलर मोटर का फ़ायदा उठाया और जल्दी जल्दी जो पनीरी लगा ली थी, उसी की वजह से हम जल्दी फारिग हो गए पनीरी की घास से,
वो दूर ट्रैक्टर चल रहा है जो कभी कदवत कर रहा होगा, कोई खेत वेत तैयार कर रहे होंगे चावल की फसल लगाने के लिए, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में जीत गए हैं। अब हम जा रहे हैं घर को, ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं, आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पकड़ते हैं अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह घर को।